यादव जी, डीडीसी सर से आग्रह है कि आप उनका स्वागत करें। हमारे डीडीसी श्री मुकेश कुमार जी यहाँ मौजूद हैं, स्वागत करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष महोदय का। मैं आग्रह करना चाहूंगा पुनः उपविकास आयुक्त महोदय से, हमारे युवा ऊर्जावान जिलाधिकारी श्री मुकुल गुप्ता मौजूद हैं, उनका स्वागत भी पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर करें। हमारे लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, मैं अपर समाहर्ता महोदय से अब आग्रह करना चाहूंगा कि मंचासीन पुलिस कप्तान यहाँ मौजूद हैं श्री अमितेश कुमार जी, जिनका स्वागत पुष्पगुच्छ, मोइंटो और शॉल के साथ करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा नजारत उपसमर्ता महोदय से कि आप उपविकास आयुक्त महोदय का स्वागत करें। एनडीसी सर आप आए और हमारे बीच मौजूद मुकेश सर का स्वागत करें, वो विकास महोदय का स्वागत करें जोर देते हैं। और मैं डीसीएलआर सिवान से आग्रह करता हूं सभासद से क्या पाए अपर समर्थता लोक शिकायत निवारण अधिकारी का स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह के साथ करें। और मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय सांसद महोदय से, मंचा सिंह, सभी अतिथियों से दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करें। हम लोग थोड़ा विलंब चल रहे हैं, सारे कलाकार की मौजूदगी है, सबको समय मिले इस उम्मीद के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ाने की। दीप प्रज्वलन के साथ हमारे बीच मौजूद हैं ये दीप, एक छोटा सा दीप, एक उम्मीद है। हम जिस क्षेत्र में भी इस दीप को रखते हैं, अंधेरे को दूर करता है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन किसने कहा कि एक दिया जलाना मना है। आइए हम सब मिलकर एक दीप जलाएं, बिहार के उन तमाम क्षेत्र के अंधेरों को दूर करें जिससे बिहार का विकास रुका है, और बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लेकर इस महोत्सव में सांसद महोदया के साथ हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, हमारे जिला प्रशासन के तमाम हस्ताक्षर यहाँ मौजूद हैं, जो समाज को सरकार की योजनाओं को 100% जमीन पर उतार कर विकसित करते हैं।